सीरियल अनुपमा में होने जा रही है श्रुति की एंट्री, यानी कि अनुज और अनुपमा की खुशियों को आग लगाने के लिए एक बार फिर से पूरी तरह से एक नए दुश्मन ने दस्तक दे दी है। तो क्या है पूरी डिटेल, आइए जानते हैं। सीरियल के आज के एपिसोड में हमने देखा कि अनुज किस तरह से आद्या का एक झलक देखता है। आद्या को देखकर अनुज जो है और भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। वो आद्या की गाड़ी के पीछे पीछे भागता है, लेकिन फिर अनुपमा अनुज को संभाल लेती है। अब कहा जा रहा है कि मंदिर में जब अनुपमा और अनुज आद्या को देखेंगे तब आद्या प्रिया बन जाएगी, यानी कि आद्या का जो नाम है, आद्या को जिस पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है उन्होंने आद्या का नाम प्रिया रख दिया है। तो वहीं कहा जा रहा है कि आद्या की जो नई माँ है वो श्रुति होगी। श्रुति के साथ आद्या रहना चाहती थी, लेकिन अगर श्रुति है तो वो आद्या को हार्म नहीं पहुंचाएगी। और ये जो है आद्या की जो नई माँ है वो आद्या को हार्म पहुंचाती है, उसे किडनैप करके रखी है। तो अगर ये श्रुति है तो वो आद्या को हार्म नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि आद्या से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी श्रुति। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ है, प्यार तो श्रुति अनुज से करती थी और अनुज के खातिर वो आद्या का ध्यान रखती थी। अगर ये सचमुच श्रुति है और वो अनुज और अनुपमा से बदला लेने आई हो, तो ऐसा हो सकता है कि आद्या को जो वो प्यार करती थी अनुज के सामने दिखावा था। अब श्रुति का असली चेहरा सबके सामने आया है, तो ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि हो सकता है अगर ये श्रुति है तो अपकमिंग एपिसोड में वनराज श्रुति के साथ हाथ मिला सकता है अनुज और अनुपमा को बर्बाद करने के लिए। वेल, ये सीरियल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जो भी होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है। वेल, तो आपको क्या लगता है, आद्या की जो ये नई माँ है क्या ये वाकई श्रुति है? जो भी लगता है कॉमेंट करें, और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो